तो चलिए दोस्तों, आज मैं आप सभी लोगों को लेंस के बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले लेंस के बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो लेंस ऐसा पारदर्शी माध्यम होता है जिसमें दो गोलीय पृष्ठ या एक गोलीय एक समतल पृष्ठ होता है, वह लेंस कहलाता है। लेंस दो प्रकार के होते हैं, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। उत्तल लेंस दोस्तों, उत्तल लेंस किनारों से पतला होता है और बीच में मोटा होता है, और दूसरा होता है अवतल लेंस। तो अवतल लेंस किनारों पे मोटा और बीच में पतला होता है, अवतल लेंस कहलाता है। तो दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं और लेंस की कुछ परिभाषाएं जान लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, लेंस के प्रकाशित केंद्र के बारे में जान लेते हैं। तो लेंस किसी भी लेंस का प्रकाशित केंद्र, अगर हम कहना चाहें तो लेंस के मुख्य अक्ष से होकर जाने वाली प्रकाशित किरणें जब अपवर्तन के पश्चात बिना किसी विचलन के अगर सीधी निकल जाती हैं तो वह लेंस का प्रकाशित केंद्र कहलाती है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और जानते हैं लेंस के वक्रता केंद्र के बारे में। तो लेंस जिस गोले का होता है उस गोले का केंद्र वक्रता केंद्र कहलाता है। और दोस्तों आगे जानेंगे वक्रता त्रिज्या। तो वक्रता त्रिज्या दोस्तों, लेंस जिस गोले का होता है उस गोले की त्रिज्या लेंस की वक्रता त्रिज्या कहलाती है। मुख्य अक्ष के बारे में जानते हैं। तो मुख्य अक्ष दोनों गोलीय पृष्ठों के वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली एक काल्पनिक रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। द्वारक, लेंस के अर्धवृत्ताकार के व्यास को द्वारक कहते हैं। तो चलिए दोस्तों अब लेंस के प्रथम फोकस और द्वितीय फोकस के बारे में बात करते हैं। तो इसमें दोस्तों उत्तल लेंस का जो प्रथम फोकस और द्वितीय फोकस होता है, उसमें जो प्रथम फोकस होगा, तो प्रथम फोकस लेंस के मुख्य अक्ष से स्थित वह बिंदु जहां से प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात बस मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, वह लेंस का प्रथम उत्तल लेंस का प्रथम फोकस कहलाती हैं। और उत्तल लेंस का द्वितीय फोकस, तो उत्तल लेंस का द्वितीय फोकस दोस्तों उसी उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर होकर चलने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात वह जिस बिंदु पर मिलती हैं वह उत्तल लेंस का द्वितीय फोकस कहलाता है। तो चलिए दोस्तों अवतल लेंस के प्रथम फोकस और द्वितीय फोकस के बारे में बात करते हैं। तो अवतल लेंस के मुख्य अक्ष से स्थित वह बिंदु जिसकी ओर आने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर चली जाती हैं, उसे लेंस अवतल लेंस का प्रथम फोकस कहते हैं। और अवतल लेंस का द्वितीय फोकस, अवतल लेंस का द्वितीय फोकस तो अवतल लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं उसे अवतल लेंस का द्वितीय फोकस कहते हैं। अब दोस्तों लेंस के फोकस दूरी के बारे में बात करेंगे। तो किसी भी लेंस के प्रकाशित केंद्र और फोकस के बीच के दूरी को फोकस दूरी कहते हैं।